can't get over you. Good morning guys, welcome to my YouTube channel which is Rashmi Pardhe. And सुबह बज चुके हैं सुबह के 8 और हम लोग थे बद्रीनाथ के होटल में. अभी बद्रीनाथ यहाँ से 1 घंटे दूर है. बस हम लोग रेडी हो गए, कल मैं शूट करना भूल गई, अभी सब लोग रेडी हो गए, बस निकलने वाले. और ये रहा मेरा गेट अप और बहुत ठंड है भाई यहाँ पे. और ये रहा पीछे हमारा होटल, जो इतना टाइम नहीं था, हम लोग थक गए थे तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई. बस हम लोग सब लोग जाने वाले हैं, हमारी गाड़ी में सामान भी हो चुका है, सब निकलते हैं. एज होता है, बढ़ता है ये हमेशा. कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में? वही अच्छा लगता है हमें. तुम लोग मैनेजमेंट का रास्ता अच्छा करो, बाकी जैसे मंदिर वैसे ही. हाँ, मैनेजमेंट वो होना चाहिए. एक किलोमीटर देखो भैया कैसा बन रहा है. हाँ, काम चालू ही है भैया. महाकाल हो क्या ना एक बार. महाकाल जरूर जाऊंगा. उज्जैन. ठीक है,
कैसे जाऊंगा भाई। मुझे एक अपना खुद का ओन होटल चाहिए। खरीद लेते चला भी भैया, मेरे दिल लोग अच्छा। इस पहाड़ी पे ये नहीं लग रहा कि कोई पाउडर पड़ा है। बर्फ तो गाइस जो अभी खूबसूरत सी नदी देख रहे हो, ब्लू कलर की ब्लू वाटर है। तो ये अलकनंदा नदी है एंड ये बहुत ही खूबसूरत है। हमने लाभ पीछे देखा ही होगा जहाँ पे हम रुके हुए थे, और अलकनंदा और भागीरथी मिलके जहाँ पे गंगा बन रही है, ये वही वाली अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ के किनारे पर स्थित है। मतलब बद्रीनाथ इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, आप देख ही रहो। मैं इसे आगे से भी दिखाऊंगी, अभी हमें आगे जाना है। वैसे चल के मंदिर थोड़ा आगे, हमारी ट्रैकिंग ही खत्म नहीं हो रही है भाई। तो अभी चलना है, थोड़ा आगे जाना है, फिर मैं आपको इस नदी को और थोड़े करीब से दिखाऊंगी जो बहुत खूबसूरत है। तो आप देख ही सकते हो। तो गाइस मंदिर तक पहुंचने तक के रास्ते में हमें छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी जिसमें बहुत सारे सामान मिलेंगे आपको। मंदिर का पूजा का सामान भी मिलेगा और भी चीजें, जो टी शर्ट शर्ट महादेव की, जो केदारनाथ में जो सामान मिल रहा था वो आपको यहाँ भी मिलेगा। और जैसे अच्छे अच्छे सामान है, क्यूट क्यूट से सामान है, और बहुत सारी शॉप से आपको खाने पीने का भी बहुत कुछ मिलेगा रास्ते में। बद्रीनाथ के टेम्पल तक पहुंचते तक के रास्ते में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप यहाँ से पूजा का सामान भी ले सकते हो या फिर आगे भी ले सकते हो, जहाँ मंदिर है वहां पे भी आपको मिल जाएगा वैसे। तो गाइस हम मंदिर पहुंच चुके हैं और वो दिख रहा है मंदिर बद्रीनाथ का, जो यहाँ से ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, फूलों से सजा हुआ। तो चलो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। पीछे और भीड़ तो बहुत ज्यादा है। चलो चलो चलिए चलिए। अरे तो चलो, तो आगे चलो, मिलेगा ना आगे। कला कर रहा है उसको करने दो। तो गाइस यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और मैं लगी हूँ लाइन पे, और वो काफ़ी लंबी है। तो मैं बस थोड़ा टाइम पास कर रही थी, थोड़े फोटोज वीडियोज क्लिक कर रही थी, थोड़ा व्यू दिखा रही थी जो काफ़ी खूबसूरत व्यू था। तो बस वही वेट करना है हमें, तो बस मैं बस वही थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ।
सो गाइस आप देख ही रहे हो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोग लगे हुए हैं लाइन में, और आई थिंक हमें एक दो घंटे तो लगने ही वाला है मंदिर तक पहुंचने में, क्योंकि हम वैसे ही लेट हो चुके हैं और हमारे पीछे तो भयंकर लाइन है और आगे भी बहुत लंबी लाइन है वेट करना है मंदिर टेम्पल तक पहुँचने के लिए। तो गाइस यहाँ पे कौन सी पूजा हो रही है तो मुझे नहीं पता, बट इन लोगों ने पूरे ढोल नगाड़े से लेकर आए हैं कुछ सर पे रख के और यहाँ पे आके पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद सब लोग बैठेंगे और कुछ पूजा वगैरह चलेगी। तो आई डोंट नो कौन सी पूजा है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज कमेंट करना क्या पूजा है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये बाबा तो दीदी तो जवान रहकर रिक्वेस्ट कर घुस जाएंगे तो गाइज हम लोगों की पूजा हो गई है, हम मंदिर के दर्शन करके अंदर से बाहर आ चुके हैं और थोड़ा ब्रिज क्रॉस करके इधर भी आ गए, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी, वहाँ खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और इतनी भीड़ थी कि मैं शूट भी नहीं कर सकती थी। और अंदर आपको तो पता ही है कि मंदिरों में फोन अलाउड नहीं है और आप फोन लेके तो जा ही नहीं सकते हो, तो वो तो शूट नहीं हो पाया, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बाकी सब बहुत बढ़िया था। मंदिर भी बहुत खूबसूरत है भाई, मंदिर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए। और यहाँ पे बहुत ठंड है और हम देख ही नहीं रहा उधर तो कुछ, ये हिमालय ही तो है। हाँ। ये चोटियां दिख रही है जो यहाँ से हिमालय चालू है, वो वाला ना।
सारे तो चल रहे हैं हम।